जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने ये लेक्चर एक ही बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले जो अभी एनटीपीसी के 6 फेज हुए हैं, जो भी साथी एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि एडवांस मैथ से क्वेश्चन आए हैं। और अभी तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम था आपका, अभी मेंस भी होगा जब फर्स्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद एनटीपीसी में फिर से क्वेश्चन आएंगे एडवांस मैथ के। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है, ताकि आप सभी साथी ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर मेंशुरेशन हो या फिर आपका अलजेब्रा हो या आपका ज्योमेट्री हो, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो यही मेन हमारा मोटिव रहेगा कि हम रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम्स को इन वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएँ। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप एक बार विश्वास रख के इन वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली एडवांस मैथ के सारे क्वेश्चन वहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पिछले 17 से 18 सालों में रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ और बेरोजगारों की दुनिया में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। हमने अभी तक 3 लेक्चर में जाने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स, आज हम कुछ सवाल करेंगे और ज़रूरतमंद फॉर्मूलों का भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं छोटे छोटे सवाल से। सारे सवाल आपको स्क्रीन पर शो होंगे, सारे सवाल रेलवे में आए हुए हैं, उन पे नीचे लिखा हुआ भी होगा कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ठीक है, देखिएगा, जैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार है। आप तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अपनी बुक में देखना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरे पास PDF है उसमें देखना पड़ेगा। टैन ए का विपरीत क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है टैन ए का विपरीत क्या होगा। तो मैं आपको बेसिक लेक्चर में सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ कि टैन ए का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, टैन का उल्टा आप जानते हैं कोट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 30 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट में आया था। सिंपल है, इसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी। याद कीजिए, मैंने आपको एक टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उससे मैंने आपको सिखाया था बहुत सारी वैल्यूज याद रखना। तो कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपनी 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, ये 2016 थर्ड शिफ्ट में आया था 27 अप्रैल में। अगला जो क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री 1/√2, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गए, देखे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये 16 में आया था और 13 में आया था, ग्रुप डी में भी आया और NTPC में भी आया, और अब की बार भी आएंगे। मेन से तो थोड़ा लेवल जरूर बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी क्लास का लेवल अभी से बढ़ा देंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, साइन स्क्वायर 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 38, साइन यहाँ पे लिखते हैं इसे हम, ठीक है, ब्लैक से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहाँ पर आप देखिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ऑप्शन आपके सामने है 1/√3 1/3। याद कीजिए, मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लिखवाई थी, उसमें बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कब बताया था ये, जब ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। यहाँ पर 38 है और अगर यहाँ पर 40 हो जाए तो कभी भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसकी वैल्यू विदाउट एनी सॉल्यूशन वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बहुत आसान है, आप लोग करते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ, विश्वास रखिए इसी क्लास से आएगा सारा। एक बार विश्वास करना तो पड़ेगा ही आपको। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस मैं लेवल बढ़ा के चलूँगा, पहले मैं छोटे क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा सारे के सारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 5 नंबर, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो क्वेश्चन ये है कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। पढ़ाने का तरीका मैं ऐसा रखूँगा ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर साथी भी हमारे साथ चल पाए, कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना है, इसको सॉल्यूशन करना है 5वें नंबर में। सिंपली
वैल्यूज रखेंगे, कोस 90 आप जानते हैं, कोसेक 90 जानते हैं, कोट 45 आप जानते हैं। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है अपनी, जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस कोसेक 90 आप जानते हैं कितना होगा, वन, ठीक है, और माइनस टेन 45 और कोट 45, ये वैल्यू होती है आपकी वन। तो यहाँ पर वन से वन भी कट जाएगा, दस, वी हैव ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ज़ीरो। हमारा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखो इस सवाल में ऑप्शन जो है टू, वन, वन अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू, ऑप्शन जीरो नहीं है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आया, ये क्वेश्चन गलत आया पेपर में, और जिन साथियों ने इस पे इसको किया होगा या नहीं किया होगा, या तो रेलवे ने आपको इसके पूरे नंबर दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, ठीक है, सबके साथ इसमें इक्वलिटी दिखाई गई होगी, या तो नंबर दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसका, ज़ीरो, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी अपना 2006, 2007 और 2016 में आया था, ठीक है। पांच क्वेश्चन हमने शुरुआती 5 मिनट के टाइम से भी कम में हमने कर लिए हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी ओर से इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करूँगा, ईमानदारी रहेगी हमेशा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। साइन 90 माइनस थीटा, याद कीजिए कि मैंने आपको ये बेसिक पॉइंट में बताया था कि इसको याद करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ में करके मैंने आपको कराया था। साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक। ये किसको शो करता है, फर्स्ट को, 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, क्योंकि फर्स्ट में है, फर्स्ट में बताया था ऑल पॉजिटिव, तो दिस विल बी प्लस कोस थीटा। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, प्लस कोस थीटा। तो देखिए कितना आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, छोटे छोटे, मासूम मासूम से क्वेश्चन है, देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो जो कोसेक 90 माइनस थीटा है, इसको हम कैसे करेंगे वो आपको समझना है। आप वीडियो को रोक करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, जरूर जल्दी से कीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई इसको हम कैसे करेंगे, आप एक बात सोचिए। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कोस सेक, क्या साइन का उल्टा होता है, यस, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने लिखवाया था कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन के। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन, ये क्या बन गया, अभी बन गया था कोस थीटा। आप मुझे बताइए कोस, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस का मीनिंग क्या होता है, सेक थीटा। इसका मतलब ये है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के। बहुत ही सिंपल, मैं कह रहा हूँ हद से ज़्यादा सिंपल है, आप एक बार ईमानदारी से चलिए हमारे साथ। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, जब आपका लेक्चर ख़त्म होने वाला हो जाते जाते शेयर जरूर करके जाएं, कहीं भी इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें और अपने व्हाट्सअप पे, ठीक। और कोई भी अपना सुझाव, अपना कमेंट आप ज़रूर दें, डिमांड आपकी सारी पूरी हो जाएंगी लेकिन समय लगेगा, ठीक। एक व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकता, धीरे धीरे वन बाई वन सारी बातें आपकी सुनी जाएंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 30 बटे कोस 45, साइन 30 डिग्री बटे कोस 45 गुणा साइन 45 कोस 30, ऊपर है साइन 45 कोस 30। ये सवाल है, आई थिंक 8वें नंबर का सवाल है। देखिएगा यहाँ पर आप जानते हैं साइन 45, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये इक्वल होते हैं, कट जाएंगे। कोस 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2,
कोस 30 होता है रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 3, तो ये 1 अपॉन रूट 3 अपना क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3। और ये सवाल देखिए कितनी बार आया, 2017 फर्स्ट शिफ्ट में आया एनटीपीसी में 18 जनवरी को, और ये मुख्य परीक्षा में आया मेंस में। तो आप मुझे बताइए ये मेंस का सवाल है, ठीक ठीक है, पीछे इन पे लिखा होगा मुख्य परीक्षा, जो भी मेंस में आया उस पे मुख्य परीक्षा लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो इसमें लिखा हुआ है मेंस मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017, फिर ये पूछा गया है आरआरबी अजमेर 2006 2007 2008, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर अपने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ इस बार में, क्वेश्चन नंबर 9। एक साफ सुंदर सी कॉपी बनानी है आपको, उसमें बना के चलने अपने नोट्स, रेलवे के जैसे ही एग्जाम्स की घोषणा होगी होने की तुरंत आप रिवीजन करना, देखना एक एक क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा 3 साइन ब्रैकेट थीटा प्लस पाई बाय 2 थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ये माइनस यहाँ पे था, और इसको सॉल्व करना है, बताना है क्या आएगा। ऑप्शंस आपके सामने चार। तो देखिएगा बड़ा आसान सवाल है, करना क्या है इसमें कुछ नहीं छेड़ना हमें, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, हमें तो ये पता है ये वाला पोर्शन जो हमें ये एंगल दिखाई दे रहा है और ये एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से जुड़े हुए हमने कुछ पॉइंट्स को पहले ही ध्यान से पढ़ा हुआ है। तो देखिएगा करेंगे क्या इसमें, एक मैं नोट आपको बता दूँ, छोटा सा नोट, जो बातें एडिशनल होंगी वो आपको मैं बताता चलूँगा। जैसे साइन थीटा के साथ अगर माइनस है तो इसे हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे ही टेन के साथ अगर एंगल माइनस का है तो यहाँ पर एंगल जो है बाहर आ जाता है, इसको माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोस में माइनस आता है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता है कोस थीटा, तो ये पॉइंट का अब यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको देखना बड़े ध्यान से। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, कॉपी में लिखिए, ये अब आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा इस सवाल में मैं कोस के पॉइंट का कैसे यूज़ करता हूँ, यहाँ पर है 2 कोस, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस 3 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। देखिए 3 साइन थीटा 2 कोस थीटा, ऐसा लग रहा है कि बालों में कुछ चल रहा है, और बालों में क्या चल रहा है, लाइट्स इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, पंखा बंद है, पसीना चल रहा है, ठीक, बिल्कुल मैं हो चुका हूँ फ्रेश, एकदम पानी में फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ, रुमाल भी हो गया अपना पानी से गीला, पानी मतलब पसीना, कोई बात नहीं है, मेहनत का पसीना है, तो आप थोड़ा सा इस मेहनत के पसीने को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए अपना सपोर्ट दे करके। देखिएगा यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कोस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 2 कोस, कोस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90, कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा, प्लस 3 साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, 90 प्लस है तो दूसरे में चला गया, 90 प्लस में चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, कोस आ जाएगा, लेकिन 90 प्लस में साइन कैसा होता है, प्लस का होगा, माइनस 3 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 कोस थीटा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 3, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के साइन थीटा बचेगा,
दो में से तीन घट के माइनस साइन बचेगा, तीन में से दो घटे क्या बचेगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, बड़ा सिंपल सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा पहला ही हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सवाल आया हुआ है 16/2016 में 5 अप्रैल थर्ड शिफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आज मैं कुछ आपके साथ फॉर्मूलों का भी डिस्कशन करने वाला हूँ, वो सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे, नोट्स में लिख के चलना, क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। देखिएगा एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने ले करके आता हूँ, हाँ जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अगर आप पहले से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या टेंथ वेंथ में आपने पढ़ा है तो ये आपको ज़रूर याद होगा। टेन जीरो टेन वन डिग्री टेन टू डिग्री टेन थ्री डिग्री, बिंदी या तो बड़ी बन गई, ऐसे करते हुए टेन 89 डिग्री, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो अब हमें इसका आंसर बताना है, ठीक। इस सवाल को दो तरीके से पूछा जा सकता है, दो तरीके से, एक ऐसे भी पूछा गया है, ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है, टेन वन डिग्री इंटू टेन टू डिग्री इंटू टेन थ्री डिग्री और ऐसे करते हुए टेन 89 डिग्री, ये सवाल ऐसे भी पूछा गया है, दो तरीके से सवाल पूछा गया। तो अब आप देखिए, अगर ये सवाल ऐसे पूछा जाए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सवाल ऐसे पूछा जाए तो बहुत ही आसान है। हमें टेन वन टू थ्री या 89 से क्या करना, हमें तो टेन जीरो डिग्री की वैल्यू पता है, टेन जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। टेन जीरो डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। अब जीरो के गुणा में ये सारा रहेगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, जीरो। लेकिन अगर सवाल इतना पूछ लिया जाए, इतना, और पूछा गया है कई दफ़ा एग्ज़ाम में, जो एसएससी की तैयारी करते हैं एसएससी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, टेंथ क्लास में खुद मैंने बच्चों को कई बार कराया है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था, एक छोटा सा पॉइंट बताया था, इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स 90 देन टेन ए टेन बी विल बी इक्वल टू 1। अगर ए प्लस बी 90 है तो टेन ए इंटू टेन बी क्या होगा, 1 होगा, और मैंने आपको ये प्रूव भी करके बताया था। तो अब आप मेरी बात को समझिएगा, एक डिग्री और 89 डिग्री, एक जोड़ेंगे 89 जोड़ेंगे तो क्या 90 बनेगा, जैसे ही 90 बना तो ये 1 हो गया, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं 90, तो 1 हो जाएगा, 1 और ये 90, ठीक। इससे पहले क्या आएगा यहाँ पर, tan 88 से पहले भी tan 87 tan 86, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर 2 और 88 91 3 इधर 87 1, बीच में आएगा tan 45 तो ऑलरेडी 1 होता ही है, क्योंकि tan 45 के साथ कोई पेयर बचेगा नहीं, तो ये तो ऑलरेडी 1 होता ही है। तो इस तरह से इसको 1 1 करते हुए सारे 1 बनेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए आप ये सवाल, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके साथ, 11 नंबर। अगर सच में आपको क्लास से कोई फ़ायदा मिले, आपको लगे कि आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ये क्लास ज़रूर शेयर करनी है उन सभी साथियों तक जो इस बेरोजगारी के संकट को झेल रहे हैं। कम से कम वैकेंसी आ तो रही हैं, लेट आ रही हैं, या जैसे भी जो प्रोसेस सरकार का चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वैकेंसी आएंगी भविष्य में, तो अगर हम तैयार नहीं हैं, हमने तैयारी नहीं करी हुई, हम टच में नहीं हैं, तो कितनी भी वैकेंसी आ जाएँ हम नंबर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब तक है तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, तैयार रहिए, जैसे वैकेंसी आए और टूट पड़िए, ठीक, यही तरीका है। अगर छोड़ देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, कोट 1 2 3 और ऐसे ही 90 तक, ठीक। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, और ऐसे ही करते हुए कहाँ तक, कोट 90 डिग्री तक इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप लोग जरूर वीडियो को रोक करके इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कराता हूँ, देखो जरा ध्यान से, 1, 2, 3 और 90। आप मुझे ये बताइए कि टेन 90 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, टेन 90 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इनफाइनाइट, टेबल में टेन 90 इनफाइनाइट बताया था, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं आप तो ये बन जाएगा कोट 90। इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे, इनफाइनाइट का मतलब 1/0, 1/0 को उल्टा करोगे तो 0/1 यानी के 0। जैसे ही आप 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 के साथ इधर के सारे पार्ट गुणा में हैं, ये सब गुणा में हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे और 0 के साथ सारे पार्ट, तो वो क्या हो जाएंगे, तुरंत 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सवाल था 2016 में आया था, थर्ड शिफ्ट 28 अप्रैल को, कुछ भी नहीं था, देखते ही आंसर कर देना था निगाहों निगाहों में, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को ध्यान में रख के चलें, बहुत भारी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। आगे चलिए, और भारी अगर लगे भी तो वो सीजे लेवल तक थोड़ी बहुत हो भी जाती है, हल्की फुल्की भारी, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत भारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, सिंपल आएगा, थोड़ा सा आपको तरीके से काम करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन का रिजल्ट मैं बता चुका हूँ पहले ही, क्वेश्चन नंबर है अपना आई थिंक 13 क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर के सवाल में tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर एस एक्स, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से tan थीटा की, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा की। अगर आप SSC की ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं तो मैंने इस पर लगभग 50 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं किरण पब्लिकेशन की बुक से, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने आपको बताया था, याद करिए कि रिज़ल्ट बताया था, रिज़ल्ट क्या बताया था कि अगर tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर पी है तो tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर होगा 1/p के, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक। तो बस मैं इसी रिजल्ट का बड़े ही धूमधाम से यूज करने जा रहा हूं। जब tan प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x है, तो tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, सेकेंड। अब हमें क्योंकि tan की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देता हूँ, ये तो सोचना पड़ेगा, tan निकालना है तो sec भगाना पड़ेगा। ये देखो sec इधर माइनस है और इधर क्या है, प्लस, प्लस वाला sec माइनस वाले sec से कट जाएगा, तो tan और tan ये हो जाएगा 2 tan थीटा, इधर x प्लस 1/x। इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/ क्या जाएगा, एक्स, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। और ये किस ऑप्शन में हमारे पास है, यहाँ पर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 2x/x² -1, 2 कहीं थोड़ा सा एरर हो गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं, शायद रिजल्ट में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई होगी, ठीक है, एक बार चेक करते हैं भाई हम लोग। हाँ, ये sec थीटा माइनस होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा होगा, ठीक, और ये यहाँ पे भी चेंज कर लेना, ठीक है, रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p, तरीका वही रहेगा करने का, ठीक है, तरीका वही रहने वाला है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, sec थीटा
माइनस टेन थीटा बराबर वन अपॉन एक्स। इस बार हमें उल्टा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये टेन माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो टेन यहाँ से भाग जाएगा ना, टेन नहीं भगाना, टेन तो हमें लाना ही है, तो घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, ये जो सेक है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस टेन प्लस हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे फिर थोड़ा सा, हमारे पास टेन ये दोनों प्लस के हो गए टू टेन, ठीक है, अपना हो गया इधर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा टू, तो टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा अपना आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, आपसे भी होती होगी, तो इतना घूर घूर के मुझे मत देखिए, गलती हो गई तो उसको इग्नोर करिए, गलती को हमने सुधार दिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो थोड़े से सरल है, ठीक, टाइप्स में बांट के पढ़ाऊँगा, आसान आसान क्वेश्चन एक साथ लेंगे, जो थोड़े से नालायकी वाले क्वेश्चन हैं उनको एक साथ कर लेंगे हम, तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखना ज़रा, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे रेलवे ने, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या पूछा गया, x बराबर जीरो है, x बराबर जीरो है, जीरो डिग्री, x बराबर जीरो डिग्री, कोस x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 22, ये वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है, तो सिंपल सवाल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जीरो पे डिग्री दिया नहीं है, वैसे इसने जीरो पे डिग्री दिया नहीं है, एक्स बराबर सीधा जीरो कह दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जीरो रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो, तो ये कोस के सामने जैसे जीरो आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोस जीरो आएगा डिग्री में, और जीरो का स्क्वायर बटे यहाँ पे 20, तो कोस जीरो की वैल्यू दुनिया जानती है 1, और ये जीरो बटे 22 जीरो आ जाएगा, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है एक, ठीक है। अब हम चले अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही खोटे खोटे मज़ेदार सवाल, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे भविष्य में, आज कल परसों जब भी, आप मुझे ये जरूर बताएं कि आप भारत के किस कोने से हैं, हम आप सभी लोगों तक भारत के किस किस कोने में पहुंच पाए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट करूँगा तो मैं जान पाऊँगा कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम लोग आप कहाँ कहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप ज़रूर कमेंट करिएगा और प्यार से कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 14 या 15 क्वेश्चन होगा, 14 या 15 आज का, ठीक, या 16 नंबर, भाई क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बस नंबर में भी चल गया, क्या नंबर था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ज़ीरो, वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन थीटा की, वैल्यू निकालनी है हमें, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन जो है 2003 में आया हुआ है, देखने से आपको पता लग रहा होगा, ASM में आया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2003 में आया, बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल मज़ेदार बेहतरीन क्वेश्चन और बिल्कुल ही मरे हुए लेवल का। तो देखो, क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर साइन थीटा, उधर जाके प्लस हो जाएगा साइन, टेन बनाना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, कोस से भाग कर देंगे दोनों साइड, टेन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कोस, यहाँ पे कट कर वन आ जाएगा, और इधर साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो बताओ इस सवाल में कुछ था क्या, करना भी नहीं था ये तो सॉल्व, नज़रों नज़रों में हो जाता, आँखों ही आँखों में बहुत बड़े बड़े केस हो जाते हैं, ये तो छोटा सा सवाल है। देखो अगला,
इधर हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ठीक है ये ले लेते हैं। ठीक है तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 नंबर में क्या बोला गया, साइन इंटू टेन, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या आएगा। चार ऑप्शन है, माइनस कोस थीटा, वन माइनस सेक थीटा या कोसेक। ये क्वेश्चन 28 अप्रैल 2016, 28 मार्च 2016 फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। देखिएगा साइन थीटा, ठीक है भाई, यहाँ से हम जानते हैं कि हम साइन बटे कोस लिख सकते हैं, साइन बटे कोस लिख सकते हैं, इसे हम वन अपॉन कोस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है तो इधर हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट मल्टीप्लाई जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा और ऊपर बचेगा माइनस वन। तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा सॉल्व करने के बाद। याद करिए अब क्या याद करना है, याद ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने आपको क्या बता रखा है, वन बता रखा है। तो जब वन बता रखा है यहाँ से हम कोस स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, दोनों साइड जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे तो ये अपनी औकात में आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ही बन जाएगा, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आ गया, तो ऊपर माइनस वन नहीं कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे सिंपल जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ही वन आ जाएगा विद माइनस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस कोस दे रखा है, अच्छा नीचे एक सिंपल कोस था, नीचे सिंपल क्या था कोस था, तो एक पावर कैंसिल हो जाए क्योंकि ऊपर स्क्वायर में है, तो ये जो आंसर है अपना माइनस कोस थीटा आएगा। अभी गलती हो जाती, गलती नहीं हुई। तो हमने इस तरह से 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज के। ठीक, अब मैं थोड़े से फॉर्मूलों पे चर्चा करता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको जानने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिलेबस सेट कर रखा है रेलवे का कि आपको मुझे कितना कराना है, कितने फॉर्मूले कराने, कहाँ कहाँ से आता है। फालतू की ड्रामाबाजी अपने को पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको बस अब तेज़ी से फॉर्मूले लिखते जाने हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ दो चार एक्स्ट्रा बातें बता के चलूँगा मैं आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो जो पहला फॉर्मूला होगा आपका फॉर्मूला नंबर वन, और ये आपको याद ही करने हैं। हालांकि मैं हर फॉर्मूले को आपको प्रूव भी करके बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाना, आपको मास्टर नहीं बनना, आपको सरकारी क्या बनना है, दामाद बनना है। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, फिर आएगा साइन ए माइनस बी, फिर आएगा कोस ए प्लस बी, इसके बाद आएगा आपका फॉर्मूला कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से ये चार फॉर्मूले आपको मैं एक एक बताता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी, तो ये आएगा साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस आएगा साइन में, ठीक, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरे में माइनस वाले में कितना फर्क आएगा, बस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मैंने एक से ही दो फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, ठीक है, एक से ही दो फॉर्मूले। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस बस, तो इसका फॉर्मूला भी यहीं से ध्यान रख लेना। इधर कोस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी, अगर यहाँ प्लस है तो इधर ध्यान देना माइनस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी ये आएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिएगा कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, माइनस साइन ए साइन बी,
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये ध्यान देना है, समझ गए आप लोग? तो देखो मैंने बताए हैं आपको याद करने, तो ये दोनों आपके याद हो जाएंगे, ये दोनों याद हो जाएंगे। अभी तक इनको दो फॉर्मूलों में काउंट करना, ठीक है? तो छोटी छोटी टेक्निक से जो मैं आपको साथ ही साथ बता के चलूँगा। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर काफ़ी सारे सवाल आपसे बार बार बदल बदल के पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा अपना tan a प्लस tan b। और पता है इस जो मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, ये मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में यही कोर्स में पेड कराता हूँ, पेड पैसा लेके, ताकि हम भी दो चार रोटी खा सकें सुबह शाम की, ठीक? ये कोर्स मैं पेड कराता हूँ और मैं आपको ये फ्री करा रहा हूँ। तो भाई साहब मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ों की कदर कम होती है, लेकिन जो सच में कदर करने वाले होते हैं उनके लिए मेहनत की कदर होती है, और यहाँ पे आपके साथ मेहनत की जा रही है और आप कदर जरूर करेंगे। जो जितनी कदर करेगा उसको उसी रेशो में आगे फ़ायदा मिलना है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है? ये हो जाएगा। ध्यान देना जरा मेरी बात पर, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऐड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, कितना फ़र्क आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो ये भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है? दो मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक? आगे चलते हैं हम। अब ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे, एक नोट्स में अलग से ही पेज पर सारे फॉर्मूले लिखना, और लिख के इन्हें अपने रफ रजिस्टर में या कॉपी में बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है? आगे चलता हूँ मैं। कोट ए प्लस बी का, ठीक है? कोट ए प्लस बी वाले पे सवाल कम आते हैं, लेकिन ये उससे ही बन जाएगा, उस फॉर्मूले से बन जाएगा। कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, ठीक? यहाँ से हम माइनस बना सकते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है? तो ये अपना कोट ए माइनस कोट बी का हो जाएगा, ठीक है भाई? ठीक, हाँ जी। आगे चलते हैं हम, जो फॉर्मूला आएगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, इसका फॉर्मूला होगा आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इंटू टेन सी। एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के या नहीं, ठीक है? मुझे लगना तो चाहिए ना, मैं आपके लिए जो एफर्ट कर रहा हूँ वो सही है। फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है? फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस वाला पार्ट यहाँ आएगा टेन ए टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है? और काफ़ी टाइम से मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बहुत दिन हो गए। टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी, सब के साथ सेम बात रहती है। अगर हम कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ते तो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, कॉमन काम करता है, हम भूल जाते हैं। तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ इधर, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है भाई? नीचे माइनस वन माइनस टेन, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, ठीक। कभी कभी क्लास में छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं, और फिर उन चीज़ों को वीडियो में एक बार गलत हो गई तो सही नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता, इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है और हमें मैच करनी पड़ती है सारी चीज़ें, कि ताकि कोई चीज़ें गलत ना समझाई जाए, क्योंकि एक वीडियो डल गया तो वो 10 साल 20 साल जब भी वो चलता ही रहेगा, और चलता रहेगा तो नाम गंदा होता ही रहेगा अगर कुछ गलत बताती है तो, ठीक है? आगे चल रहे हैं हम लोग और छोटे से फॉर्मूलों पर, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, जैसे एक फॉर्मूला आता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका एक फॉर्मूला और होता है टेन के फॉर्म में, टू टेन थीटा अपॉन
वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हमारे कोस के भी फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, कोस टू थीटा का, तो ये साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले अपने पास, कोस टू थीटा, एक इसका फॉर्मूला होता है, बड़ा ही खास फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक टाइम था जब हमारे भी ये टेंथ क्लास में बिल्कुल याद नहीं होते थे, बहुत ही भारी लगते थे, बहुत ही भारी, लेकिन बाद में करते करते सब याद हो जाते हैं, ठीक। एक फॉर्मूला हमारा और आता है, यहीं से बना सकते हैं, कोस स्क्वायर की जगह लिख लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसका, इसमें तो साइन आ गया, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये इसका तीसरा फॉर्मूला आएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक। एक और होता है इसका फोर नंबर का फॉर्मूला, वो टेन की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस तरीके से, ये नहीं है, दूसरा इसका फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे चार फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ टेन टू थीटा का फॉर्मूला बताने हैं आपको। ये सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, बार बार जब भी आप अगली क्लास ज्वाइन करेंगे या अगली क्लास अगला लेक्चर आएगा तो सारी चीज़ें पीछे की रिवाइज करके क्लास को देखें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। जितना आपको फैक्ट याद रहेंगे उतना ही आपको काम आएंगी पिछली बातें। फिर आएगा हमारा फॉर्मूला टेन टू थीटा, ठीक है, सिंपल है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला तो हम बना भी सकते हैं, कैसे, अभी टेन ए प्लस बी का समझाया था मैंने आपको फॉर्मूला, ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लिया, टेन ए प्लस टेन बी। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की हर चीज़ प्रूव करके समझा सकता हूँ, हर चीज़, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ए की जगह भी थीटा है, बी की जगह भी थीटा है, तो टेन थीटा टू टेन थीटा बन जाएगा, नीचे क्या आएगा वन माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई जाएगी तो टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका टेन टू थीटा का। अभी आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये फॉर्मूला किसका है, साइन टू थीटा का। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में बिल्कुल भी, ठीक ठीक है। इसके बाद साइन थ्री थीटा कोस थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा और कोस थ्री थीटा, एक दो फॉर्मूला अगर मैं एक्स्ट्रा भी लिखवा दूँ तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, पेपर पास करने के लिए पढ़ना है। साइन थ्री थीटा, एक दो फॉर्मूला ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, लेकिन कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक, कम नहीं चलेगा। कंटेंट थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी पढ़ लिया, क्योंकि अब आपका इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का वो मेंस होगा, और मेंस में थोड़ा सा लेवल हो सकता है बढ़ के आए, और बढ़ के आता भी है, तो इस वजह से दो चार चीज़ें फालतू पढ़ ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका इसका फॉर्मूला होगा, ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई, क्योंकि क्लासेस बंद है इधर भी, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपका थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला होगा फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, ये दो फॉर्मूले हो गए। यहाँ से टेन थ्री थीटा का भी फॉर्मूला वैसे होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है टेन थ्री थीटा का, थ्री टेन माइनस थ्री टेन माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले और हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो कल के जो लेक्चर है इसमें हम बाकी बचे हुए फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, शुरुआत में हम क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस आपको मैं बार बार बोलते बोलते यही समझा रहा हूँ, प्लीज़ करके आप सभी साथी नोट्स बना के चलिएगा, तभी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इन क्लासेस का और अपनी मेहनत का। अधूरा काम बिल्कुल मत करिए, लॉकडाउन है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ,
सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, हमारा भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते शेयर कर दीजिए, और आप कहाँ से हैं आप ये ज़रूर बताना, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और जी हाँ, मैं आपको दो क्लासेस की टाइमिंग और बता देता हूँ। आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो डेली लाइव होती है 12:30 बजे दिन में, ठीक। और एस डी यादव की जो बुक है वो डेली लाइव होती है 10:00 बजे। ये क्लासेस डेली चलती हैं, कभी एक दिन एक दो क्लासेस बीच में अगर ऑफ होती हैं तो आपको कम्युनिटी टैब पर नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ये रेगुलर क्लास है। एक चीज़ मैं और बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के फ्री करंट अफेयर्स ठीक है, सारी यूट्यूब क्लासेस और वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, हमारे द्वारा सेट करे हुए तैयार करे हुए हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर, यूट्यूब क्लासेस और भी कंप्यूटर क्लासेस, बहुत सारी सुविधाएं हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको वेबसाइट पे कैसे एनरोलमेंट करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कैसे फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उन्हें देखिए, अपना साइट पे नाम दर्ज कराइए और हर पेड कंटेंट का फ्री में फ़ायदा उठाइए। ध्यान दीजिए, पेड कंटेंट है सारा, लेकिन वो फ्री में मिल रहा है आपको, बिल्कुल फ्री, 0 चार्ज पर, उसका फ़ायदा उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वही चीज़ पैसे में मिलने लगे और आप फिर बाद में ऐसे करो, यार पहले देख लेते तो इससे अच्छा है कि फ्री रहेगा हमेशा, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। तो मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक।